वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम बजट 2017-18 में देश के आमजन को कई तरह की सहूलियतें देने के साथ साथ महिलाओं को भी जबरदस्त सौगातें दी हैं। सबका साथ और सबका विकास की तर्ज पर काम करते हुए ग्रामीण आधारभूत ढांचे में सुधार के साथ साथ महिला और बाल विकास से जुड़े क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया गया है। आम बजट में महिलाओं के लिए किए गए प्रावधानों पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की झुंझुनू से लोकसभा सांसद और महिला हितों की प्रमुख पैरोकार व भाजपा नेत्री संतोष अहलावत से। आम बजट 2017-18 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ग्रामीण विकास के साथ साथ महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया। महिलाओं को दी गई सौगातों से भविष्य में महिलाओं को किस तरह फायदा होगा, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है लोकसभा सांसद संतोष अहलावत। मैडम, 14 लाख आंगनबाड़ी केंद्र, 500 करोड़ रुपए दिए गए हैं महिला शक्ति केंद्रों के लिए, किस तरह भविष्य में इस केंद्रों से और इस तरह की सहूलियतों से फायदा होगा महिलाओं को? देखिए, महिला पुरुष के बराबर दर्जा रखती है अपना, बल्कि मैं कहूँगी विशेष दर्जा होता है उसका। गृहस्थी या समाज की गाड़ी के दो पहियों में से एक महिला होती है, और महिला अगर आर्थिक रूप से सबल है और सामाजिक सरोकारों में भी वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है तो प्रगति दुगनी हो जाती है। हमारे वित्त मंत्री ने जो अभी बजट रखा है, खुशी की बात यह है कि महिलाओं का विशेष ध्यान रखा है, ना केवल सुरक्षा का बल्कि आर्थिक रूप से वो सबल होकर, आर्थिक रूप से सक्षम होकर समाज की उन्नति में अपना योगदान कैसे दें, उसके लिए विभिन्न योजनाएं उन्होंने डाली हैं बजट में। महिला और बाल विकास कल्याण के लिए आप देखेंगे जो राशि का आवंटन किया है वो काफ़ी अच्छी संख्या में है, और पूर्व में जो बजट था इस विभाग को उससे लगभग दुगना बजट करके दिया है। मनरेगा में पहले जो बजट था 48,000 करोड़ रुपए भी बढ़ाया, कहीं ना कहीं महिलाएं इसमें अधिक लेबर हैं, तो इससे महिलाओं को किस तरह सामाजिक स्तर पर सुधार होगा, काम मिलेगा, आर्थिक स्थिति में सुधार अगर की बात करें? देखिए, मैं आपको यह पूर्व में भी बता चुकी हूँ कि मनरेगा में अगर महिलाएं अधिक काम करेंगी, वो अपना घर का काम निपटाने के बाद मनरेगा में भी अगर काम करती हैं तो एडिशनल आय उनके पास होती है, और 100 दिन का काम करने के बाद जो उनको श्रमिक कार्ड मिलेंगे वो बहुत बड़ी मदद उनके लिए करेंगे। गर्भवती महिलाओं की बात करें, 6,000 रुपये महिलाओं को दिए जाएंगे प्रेग्नेंट होने के दौरान। आर्थिक स्थिति कई बार ऐसी आ जाती है कि महिलाएं गरीब होती हैं, उनको तो इससे कितना उनको एक सामाजिक सुरक्षा और एक स्वावलंबी तौर पर देखा जाए तो उनकी सुरक्षा में किस तरह मदद मिलेगी जो वित्तीय तौर पर देखें? देखिए, गर्भवती महिला को विशेष तौर पर न्यूट्रिटिव फूड खाना होता है, जो अगर जो कमज़ोर तबका है उसकी महिलाएं गर्भवती हैं तो वो कहीं फल नहीं खा पाती हैं, कहीं दूध नहीं पी पाती हैं। अब अगर 6,000 रुपये गर्भवती महिला के खाते में जमा होंगे तो वो गर्भावस्था के दौरान अपना और अपने शिशु का ध्यान रख पाएगी। 1 करोड़ लोगों के लिए मकान भी अपने होंगे, अपनी छत देने का सरकार वादा कर रही है, इससे कहने के जो ग्रामीण स्तर पर जो पुअर महिलाएं हैं जो आर्थिक रूप से बिल्कुल जूझती रहती है कमजोरी और तंगी के लिए, उनको मकान मिलेगा, उनकी जो गरीबी है उसमें कहीं कहीं निवारण होगा, तो उससे किस तरह बदलाव आएगा ग्रामीण स्तर पर? आज भी आप गाँव में जाएंगे तो बहुत सारे कच्चे घर आपको दिखाई देंगे। ऐसे में अगर पक्की छत मिलती है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, किसी महिला का घर पक्का हो जाता है, उसके घर में शौचालय बन जाता है, उसकी रसोई पक्की हो जाती है, तो निश्चित तौर पे बीमारियों से भी छुटकारा मिलता है, वो अपने आप को सुरक्षित और सम्मानित भी महसूस करती है। पशुपालन एक महिलाओं का बहुत बड़ा व्यवसाय का कार्यक्रम रहता है, गांव में महिलाएं खेती के साथ साथ डेयरी पालन पे ध्यान देती है, तो डेयरी के लिए 300 करोड़ रुपये सरकार ने एलोकेट किए हैं पशुपालन दुग्ध उत्पादन बढ़ावा देने, इससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति में कहीं कहीं सुधार होगा, तो क्या कहेंगे? बहुत सारी महिलाएं खेती के साथ साथ एडिशनल आय के लिए पशुपालन करती हैं, डेयरी उद्योग में वो लगी रहती हैं, और डेयरी उद्योग अगर पनपेगा तो घर घर में ये उद्योग चला जाएगा, तो पशुओं के लिए बीमा और दुग्ध उत्पादन एरिया में एक श्वेत क्रांति की तरह एक आपको प्रभाव दिखाई देगा। तकरीबन 1.5 लाख उप स्वास्थ्य केंद्र को वेलनेस केंद्रों में सरकार तब्दील करेगी, कहीं ना कहीं जो गाँव के लोग हैं उनके स्वास्थ्य के साथ साथ खुशहाली लाने का सरकार काम कर रही है, इससे किस तरह का परिवर्तन आएगा? निश्चित तौर पे गांव का वो गरीब आदमी जो शहर जाकर इलाज नहीं करा पाता है या शहर जाने का उसके पास पैसा नहीं होता है, वो आलस कर जाता है, अगर गांव में उसको वो सब सुविधाएं मिलेंगी तो निश्चित तौर पे एक स्वास्थ्य के प्रति जागृति की भावना आएगी।
महिला और बाल कल्याण के लिए 84,632 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कहीं कहीं महिलाओं को कौशलमंद बनाना, हुनरमंद बनाना, बहुत सारे कार्यक्रम इसमें होंगे, तो किस तरह महिलाएं इसमें स्वावलंबी बनेंगी? गाँव में जो महिलाएं पहले घर और खेत के अलावा कुछ करना नहीं जानती थी, आज कौशल विकास केंद्रों में जाकर वो विभिन्न काम सीख रही हैं, और ना केवल सीख रही हैं बल्कि अपना छोटा छोटा उद्योग धंधा स्थापित करके अन्य बहनों को जोड़ के वो काम भी कर रही हैं और आर्थिक रूप से सबल भी बन रही हैं। तो ये थे लोकसभा सांसद संतोष अहलावत, जिनका मानना है कि आम बजट 2017-18 में केंद्र सरकार ने सबका साथ और सबका विकास की तर्ज पर काम करते हुए न केवल महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा दी है बल्कि आर्थिक मदद कर उन्हें स्वावलंबी बनाने का काम भी किया है। कैमरामैन बिस्सा के साथ OP यादव, DD News, दिल्ली।